They are so tired. Happy birthday to LD sir. Your name? Yes. Bolo, happy birthday. Happy birthday, Nas. Happy birthday, LD sir. Welcome back to my channel. So guys, आज एक special चीज है जिसके लिए हम यहाँ इस location में आए थे. और सैलानी रिजॉर्ट जो है इसको हमने एक्सप्लोर किया. आपने पिछले सारे ब्लॉग्स में वो सब कुछ देखा. बट आज फाइनली ये जो नाइट है ये हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर. और कल हम मॉर्निंग में अपने पांवटा साहिब को वापस चले जाएंगे. तो क्या एग्जैक्टली इवेंट्स था मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ. जो हमारे ओनर हैं मिस्टर एलडी शर्मा, उनका आज बर्थडे है. बर्थडे नाइट है आज. कल एक्चुअली बर्थडे है तो आज सेलिब्रेशन होगी. केक वगैरह कटिंग होगा. तो वो सब कुछ मैं आगे आपको फर्दर ब्लॉग में दिखाऊंगी. बट इस समय हम निकल रहे हैं रूम से तैयार होकर के. और मेरे साथ मेरी एक और कलीग है पूजा और प्रभा. मैम को तो मैंने आपको दिखाया है पहले. टिंकू को भी इंट्रोड्यूस कराया है. तो मेरी जो नई तो नहीं पर पहले से जो हमारी कलीग है अंकिता, उसको मैं ब्लॉग में बुलाऊंगी और आपको रिव्यू भी दिलाऊंगी उसको कैसा लगा इस लोकेशन में आकर के. तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मतलब ये लोकेशन बहुत ही, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर भी ऐसे एरिया में इतनी सुंदर लोकेशन होगी. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे. अ वेरी हैप्पी बर्थडे एलडी सर. मे गॉड ब्लेस. सो गाइज, आप भी आई होप आप सब इस ब्लॉग में देख रहे हैं. आई वॉन्ट कि आप सभी सर के लिए विशेज दें और आगे ब्लॉग में दिखाते हैं. And wish you a long and a healthy life. Successful he is already. So, may God. Sir, ko wishes to yehi denge ki it's like happy birthday, LD sir. May God bless you. Happy birthday, LD sir. Happy birthday. Lucky to my love. Juk juk diyo. Yeah, Lavinder. Happy birthday to LD sir. Happy birthday to LD sir. We love you, sir. यहाँ पे आगे रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करके बहुत सही मैम. मजा आ गया. चंदन जी आप भी बोल दीजिए. हैप्पी बर्थडे सर. बहुत बहुत बधाई हो सबको. सो गाइज ये है लड़का. ये लड़के का नाम है विशाल और इसको आए थे सैलानी रिजॉर्ट. क्या नाम था जगह का? सैलानी. सैन वाला. क्या है आज सर का बर्थडे? विश करो. Happy birthday, sir. ये कौन है? Happy birthday. मैं साल मुझे birthday आता है और Happy birthday to LD sir. बोल लो. अजीब लगेगा वहां जाना. हैप्पी बर्थडे अली. गॉड ब्लेस यू. अब फिर हाय अली. हैप्पी बर्थडे. मैं साल. हैप्पी बर्थडे एलडी सर. हेलो परितो दिस साइड सर. Wish you a very, very happy birthday. Hello, happy birthday, Ali sir. Wish you a very, very happy birthday. Happy birthday, Ali sir. Happy birthday, Ali sir. Wish you a very happy life ahead. Happy birthday, Ali sir. Wish you a great success ahead. Happy birthday, Ali sir. जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो सर आपको और भगवान करे आपकी मनोकामना पूर्ण करे. Wishing you a very happy birthday, Ali sir, and may God bless you. आज की तारीख है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को एलडी सर का जन्मदिन आता है. हमारी पूरी टीम की तरफ से एलडी सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं. जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक.
inspiring boss. Thank you for always leading by example. I have learned so much from working with you. Hope you have the happy day you deserve. सो गाइज फाइनली आपने देखा हमने किस तरीके से एलडी सर के लिए पॉजिटिव विशेष बर्थडे की कलेक्ट कर रखी है। और अब मैं आपको थोड़ा सा एलडी सर के बारे में बता देती हूँ, लक्ष्मीदत्त शर्मा सर के बारे में बता देती हूँ। जो हमारे सर हैं ये बेसिकली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के मंधारा लोकेशन से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली में जो इनके फादर थे वो एक फार्मर थे और जो इनकी स्कूलिंग हुई है वो बिरला स्कूल से ही हुई है, जिसके लिए इनको रोज़ 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। और इनकी 11th 12th पांडा साहिब में ही हुई है जहां हम इस समय रहते हैं और जहां हमारा ऑफिस है। तो सर का ही ये एक ड्रीम था कि वो पांडा साहिब में डिजिटल मार्केटिंग की फर्म को इनऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि इस समय सर ने फुलफ़िल कर लिया। सो गाइस एलडी सर ने अपना जो ड्रीम था वो तो फुलफ़िल किया ही, साथ में उनके बारे में मैं थोड़ा और ऐड ऑन कर देती हूँ। 11th 12th के बाद उन्होंने अपनी बीकॉम करी उन्होंने नाहन से, बट फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना होने की वजह से फाइनेंशियली खुद को साउंड बनाने के लिए सर ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और इंडियन आर्मी में सर ने 6 साल 10 महीने लगातार सर्व किया, जो कि बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप था। और उसके बाद सर को लगा सर को कुछ और बड़ा करना चाहिए, इसलिए सर ने MBA करना शुरू किया और उनको इंडियन आर्मी को छोड़ना पड़ा। इसी दौरान MBA करने के बाद सर को अपनी जॉब सर ने कंटिन्यू करी, सर ने प्राइवेट जॉब करी MIT यूनिवर्सिटी में दिल्ली में। और उसके बाद अंशुल शर्मा जी से, जो कि हुई 2002 में, 20th जून 2002 सर की एनिवर्सरी इस दिन मनाई जाती है। और अंशुल मैम जो है ये कसौली से हैं, कसौली यानी कि जाबली के पास ही मैम का माइका है और मैं भी कसौली से ही बिलोंग करती हूँ, तो सोचा क्यों ना मैम के माइके के बारे में भी थोड़ा अपने ब्लॉग में ले लूँ। और गाइज इसके बाद सर की लाइफ में शुगलू मुगलू आए, तो शुगलू यानी कि रुशील 17 सितंबर 2004 को रुशील का बर्थ हुआ, सर के घर में खुशियां आई। उसके बाद हमारी अनन्या, छोटी सी अनन्या, 19 जुलाई 2006 में अनन्या का बर्थ हुआ, जो कि सर की लाइफ में सेकंड खुशी आई, छोटी सी बेबी गर्ल आई सर की लाइफ में। एंड देन उसके बाद सर ने अपना सर की लाइफ में शुगलू मुगलू तो आ गए, उसी दौरान सर ने 2 साल 10 महीने MIT यूनिवर्सिटी में जॉब करके MIT यूनिवर्सिटी में रिज़ाइन किया। उसके बाद सर ने ज्वाइन की ओसवाल ग्रुप्स को, ओसवाल ग्रुप में सर ने 2 साल काम किया। और इसी दौरान 2 साल में सर ने 2003 में जब वर्ल्ड कप हुआ था उसके 45 डेज के अंदर 20,000 सर ने क्रिकेट की इंडियन शर्ट टी शर्ट सेल करी, जो कि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप तो आपको डेफिनेटली देखने को मिली होगी। हम भी उस समय काफ़ी छोटे थे, हमें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, बट सर ने ऐसे काम किए हैं और इन्हीं सब की वजह से ओसवाल ग्रुप एक अलग ही ऊंचाइयों में पहुंच गया था और सर का एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रहा है ओसवाल ग्रुप की सक्सेस में। और मेरे व्यूअर्स को भी ये बात पता होनी चाहिए मिस्टर लक्ष्मीदत्त शर्मा जी के बारे में। फिर उसके बाद सर ने टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन किया, टाइम्स ग्रुप में सर ने अप्रॉक्स 1.5 ईयर जॉब किया। देन उसके बाद सर को अपॉर्चुनिटी मिली UK में जाने की, द यूनाइटेड किंगडम में, और वहाँ जाकर के सर को एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली किस तरीके से ये बिज़नेस रन होता है। और इसी एफिलिएट प्रोग्राम को सर इंडिया लेकर के आए और इंडिया में इस प्रोग्राम का नाम सर ने शुगलू यानी कि रुशील से रिलेटेड शुगलू नाम रखा, जो कि 2007 में सर ने इंडिया में स्टार्ट किया था। और शुगलू के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगी, सर की जो मदर है वो सर को बचपन में प्यार से शुगलू कहा करती थी, इसी वजह से सर ने आगे रुशील को भी यही नाम दिया है, तो हमारी कंपनी का नाम भी शुगलू ही है। अब आगे मैं आपको अपने यहाँ का जो इन्वायरमेंट क्रिएटेड है, जिस तरीके से सर की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है आज, वो सब का आपको एक लुक दिखा देती हूँ। आप भी देखिए किस तरीके से आज यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशंस होने वाली है। सारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है, ऑप्टिमाइज वाली और हमारी पांडा साहिब वाली टीम भी, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशंस चल रहा है। सो यहाँ सेलिब्रेशंस तो काफ़ी चल रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करने के साथ साथ सर की दो हॉबीज़ के बारे में आपको बता देती हूँ, हॉबीज़ कह लिए या फिर सर के शौक कह लीजिए या सर का पैशन कह लीजिए। आप जब भी सर से मिलेंगे, सर के पास आप देखेंगे सर को वॉचेस की बहुत अच्छी कलेक्शन का शौक है, साथ में सर को हैट्स का भी बहुत कलेक्शन का शौक है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे सर ने जो हैट्स पहनी हुई है, सर ने डिफरेंट लोकेशन से कलेक्ट कर रखी हैं, तो आज भी उनमें से एक हैट सर पहन के आए हैं।
एलडी सर के लिए दो वर्ड एक मेरे साथ हाँ वही हो जाए फिर दो वर्ड सर के वीडियो बना रहे हो अरे रुको अभी यार एडिट कर लियो राउंड मार लेते एक बार मैंने कहा राउंड मार तैयार तो नहीं है सोच लेता दो तीन मिनट के बाद हर शाम आँखों पे तेरा चले जाए हर रात गाइज अभी आपने सुना लाइव सॉन्ग्स जो यहाँ पे सिंगर्स को बुलाया गया था उन्होंने कितनी अच्छी प्रदर्शनी दी और वो सॉन्ग सब बैठ के इंजॉय कर रहे हैं इनफैक्ट हम सब ने भी काफ़ी इंजॉय किया और इसी समय आप देख सकते हैं पीछे बैनर आपको दिख रहा है इतना बड़ा लगा हुआ शुगलू यानी कि हमारी कंपनी का लोगो जिसको बड़े बड़े अक्षरों में रिफ्लेक्ट किया गया है उसी के नीचे ऑप्टिमाइज आप देख सकते हैं तो ये दो डिफरेंट कंपनीज थी और शुगलू जो है ये पांवटा साहिब में सिचुएटेड है और ऑप्टिमाइज जो है ये गुड़गांव में सिचुएटेड है इसके बारे में भी कुछ बहुत बिग न्यूज़ है जो आगे आपको सुनने को मिलेगी और कहा जाता है हमेशा पार्टीज में लड़कियां लेट करती हैं बट आप देख सकते हैं प्रिंस और प्रिंस के फ्रेंड्स ये सारे के सारे अच्छे से बिल्कुल टिच टाच होकर के पहुंचे हैं और हमसे कितना लेट ये पहुंचे हैं हमने आधा कंटेंट यहां आकर के शूट कर लिया और आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोज़ हमने बना ली उसके बाद ये पहुँचे हैं सो गाइज ये कहना बिल्कुल गलत है कि लड़कियाँ तैयार होने के लिए टाइम ज़्यादा लगाती हैं लाइव प्रूफ आपके सामने है अवेलेबल तो गाइज यहाँ पार्टी चल रही है साथ में स्नैक्स लग चुका है स्नैक्स खाने के लिए हम भी एकदम एक्टिव थे हमने जाकर के स्नैक्स लिया और फाइनली हम भी स्टार्टर्स हमने लिए और हमने इंजॉय किया स्टार्टर्स को साथ में यहाँ पे क्लिप्स भी लिए जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब कुछ रिकॉर्ड करना आप सबको दिखाने के लिए तो मैं उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रही थी अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड किया कंबाइन किया आपके लिए ताकि आपको दिखा पाऊँ संजय सर भी यहाँ आए सर ने भी स्नैक्स लिए इनकी प्लेट से सो गाइज ये था हमारी शुगलू फैमिली का प्यार जो एक प्लेट से खाने से बिल्कुल नहीं रुकते हैं आपने देखा वीडियो में किस तरीके से सारे के सारे एक ही प्लेट में जुट जाते हैं हमने भी ऐसा ही किया इस तरह की गैदरिंग से यही होता है टीम बॉन्डिंग होती है आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और टीम में प्यार बढ़ता है गाइज आपने लाइव परफॉर्मेंस सुनी शर्मा गई मैं घबरा गई मैं मेरे नसीब में तू है कि नहीं ऐसे गाने हमने बचपन में बहुत सुने हैं जो कि यहाँ पर सिंगर्स बहुत अच्छे से गा रहे थे और गर्ल्स इंजॉय भी कर रही थी सो गाइज अभी आने वाले समय में नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी शुगलू टीम की तरफ से गर्ल्स एंड बॉयज़ ने अप्रॉक्स 1 मंथ लगा करके प्रिपेयर करी है तो हम सब एक्साइटेड हैं इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको भी मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगी बट गाइज आप समझ सकते हैं मुझे गाना हटाना पड़ेगा और गाना मुझे म्यूट करना पड़ेगा तो गाइज ये एक रिमिक्स सॉन्ग था जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ ने दोनों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी सो गाइज देखिए आगे आप भी इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इस समय प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी 3 डांसर्स यानी कि पूजा सृष्टि एंड
प्राची पुनीर, ये तीनों डांस कर रहे हैं और छोटी सी बेबी गर्ल ने इनको डांस करते देखा और वो रह नहीं पाई इनको ज्वाइन किए बिना और वो डांस करने के लिए पहुंच गई। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो वहां पहुंच जाते हैं। तो ये तीनों भी अपने सॉन्ग को इन्जॉय कर रहे थे, साथ साथ रिदम में डांस कर रहे थे। आप देख सकते हैं इनके स्टेप्स मैच कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जो बाकी डांसर्स हैं, बाकी बॉयज़ थे, वो भी इनको ज्वाइन करेंगे। और पीछे से आप देख सकते हैं हमारे प्रवीण बिष्ट जी जो कि लगे हैं अपने GoPro को लेकर के रिकॉर्डिंग करने के लिए। वो भी एक ब्लॉगर हैं, आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके चैनल को जाकर के। सो गाइज, अभी इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं तो देखिए। अब हमारे तीनों बॉयज़ ऑफिस की टीम के, चिराग, लविंदर एंड पुलकित, ये तीनों स्टेज को पे आ चुके हैं और इनकी डांस परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। और ये भी काफ़ी अच्छा डांस कर रहे हैं जो कि देख करके आपको समझ आ रहा होगा। एक महीना कंप्लीट मेहनत करने के बाद इतनी कोऑर्डिनेशन इनकी बनी थी जो कि मैंने रिकॉर्ड करी, बट मैं बिना गाने की आपको दिखा रही हूँ, उसके लिए गाइस सॉरी पहले ही, बट आप समझ सकते हैं आई गेस। सो इसके बाद दोबारा से हमारी गर्ल्स स्टेज पे आएंगी। स्टेज पे आने के बाद उनकी डांस परफॉर्मेंस दोबारा शुरू होगी और वो एक डिफरेंट सॉन्ग होगा जिसपे वो लोग, मनी के सॉन्ग था शायद वो, एग्जैक्टली वही सॉन्ग था और उसी सॉन्ग के ऊपर फिर वो भी इनको ज्वाइन करेंगे। अब हमारी जो फोर्थ पार्टिसिपेंट है जो कि गर्ल्स में इस समय ज्वाइन कर रही है, वो है हमारी पूजा, जिसको आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देख चुके हैं। तो देखिए आगे आप वीडियो में किस तरीके से कपल डांस अभी इनका होगा और कैसे कैसे सारे के सारे गर्ल्स एंड बॉयज कंबाइंड डांस कर रहे हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ ने तो रायता फैला ही दिया है। इसके बाद हमारी गर्ल्स अपने ही स्टेप्स से डांस कर रही थी, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इनके रायता फैलाने के बाद क्यों ना हम सीनियर्स को भी इन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए एज एन अप्रिसिएशन। तो देखिए हम भी पहुंच गए स्टेज पे, प्रभ मैम और मैं, इनको अप्रिशिएट करने के लिए, और ख़ुद भी डांस करने का दिल कर गया था हमारा। तो आप वीडियो देखिए आगे।
फाइनली अब हम डांस करके थोड़ा थक गए थे, सारी टीम मेंबर्स को थोड़ा रेस्ट चाहिए था और हम जाते हैं अब वापस अपने सीट्स पर, जा कर के थोड़ा स्नैक्स खाते हैं और थोड़ा चिल करते हैं, एटलीस्ट स्टेज खाली करें थोड़ी देर के लिए, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी जो हैं, जो सिंगर्स आए हैं, वो थोड़ी देर गाना गा करके बाकी जनता को भी एंटरटेन करें और हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, अपने सैंडल्स पहनते हैं और कंफर्टेबल होके बैठते हैं, बिकॉज डांस करने के लिए मैंने पहले ही सैंडल्स खोल दिए थे। ऑलरेडी मेरे एक सैंडल्स शहीद हो चुके हैं जो कि मैंने बोटिंग में गीले करके ख़राब किए थे। सो गाइज, मैंने अपने सैंडल्स पहले ही खोल दिए और फिर जम के डांस किया, जो कि मैंने आपको क्लिप्स भी दिखाए अभी वीडियो में। सो अभी हम बैठ रहे हैं, आगे आप सुनिए मधुर गाने जो कि हमारे यहाँ गाए जा रहे हैं सिंगर्स के थ्रू, और म्यूजिक भी सारा का सारा इंस्ट्रूमेंटल था, इस वजह से मुझे कॉपीराइट आने का खतरा भी नहीं है। मैम ने गाने काफ़ी अच्छे गाए, गाने सुनते सुनते हम सब भी गानों में खो गए थे। अब एलडी सर की तरफ से कुछ स्पीच है जो कि सर कहना चाहते थे, आप भी सुनिए, हम सब ने सुनी थी, मैं दोबारा सुनूंगी, आप भी सुनिए मेरे साथ। बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें चल रही थी और आई थिंक स्पेशली जो ऑप्टिमाइज फ्लोर है वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे आप लोग, क्या सोचते थे मैं गायब हो गया नहीं, जोर से बोलो। सो गुड थिंग्स आर हैपनिंग, आप सब लोगों को मेरी जर्नी पता है, ऑप्टिमाइज में काफी नए लोग हैं जो शायद नहीं जानते होंगे, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाई के बाद में 5-6 साल आर्मी में भी लगाए, फिर एमबीए किया, बहुत पुराने टाइम की बात है 95-97, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो हर कुछ नाम आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे कितने हैं, IIM, IIT सारे। सो एनीवेज 2003-04 में जब इंडिया टाइम्स में आया तब से मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई और मैं DGM UK में 1 साल मैंने बिताया था, शायद बहुत सब मैक्सिमम लोग जानते होंगे DGM जो डील ग्रुप मीडिया था वो आयरू ने खरीदा था, फिर डेंसू का पार्ट बन गया था, ये शायद काफी सारे होंगे, वो क्या ब्रांड डील हो गया DGM या तो उन्होंने मर्ज किया, ओके। सो एनीवेज फिर 2007 में मैंने शुगलू से स्टार्ट किया था, 2008 में OMG फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था, आप लोगों को बहुत लोग कम लोगों को पता होगा, इसको हम ऑनलाइन मीडिया ग्रुप बोलते थे OMG, उस टाइम में इसको हम OMG के नाम से ब्रांड करते थे, उसके बाद में हम 10 और 11 में हमारी जब ऑप्टिमाइज रीब्रांड हुआ OMG से और हमने फुल ऑप्टिमाइज 2011 में स्टार्ट किया, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से लेके हैं मेरे साथ में, इनफैक्ट अभिजीत बनर्जी को बहुत कम लोग जानते हैं, ये 2008 से नहीं ये नहीं जानते कि 2008 से आप OMG के साथ में एसोसिएटेड हैं, जब ये सुगरू एफिलिएट नेटवर्क बाद में जो टू ट्रैक हुआ था वो हुआ था, सो मेरी रिचर्ड साइन के साथ में बहुत लंबी एसोसिएशन है, 2005 आई थिंक सबसे पहले मैं उनसे मिला था, कार्ला को सब लोग जानते हैं, वो भी MD है पूरे यूरोप की, वो एग्जैक्ट लेवल में आए थे उस टाइम में, एग्जैक्यूटिव लेवल में, और एक और उसका नाम मुझे याद नहीं है, काफी सारे लोग चले गए, बट ये सब जो स्कॉट चला गया, जाइल्स, ये सब लोग नए होते रहे, सब मतलब 15-20 ईयर्स उनको ऑप्टिमाइज में हुआ है। सो मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है, हमने इंडिया स्टार्ट किया था, फिर
सिंगापुर स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी उसी के साथ में स्टार्ट हुआ। जो मिडल इन जो पीएल शर्मा की टीम है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, वो शुगलू मीडिया हुआ करता था जब। हेलो गाइस, कोई बात नहीं, आप लोग 6 o'clock के बाद में आए हो, सुबह 10 बजे के बाद में ऑफिस में भी होंगे, ठीक है। ये लोग सोच रहे थे कि कहीं ये ना पता चले कि हम तो छुट्टी पर नहीं हो ऑफिस में, डोंट वरी। तो मैं बहुत खुश हूं, ये 12 साल की जर्नी में शायद ऑप्टिमाइज के 6 या 7 ट्रिप तो इंटरनेशनल रहे। सबसे पहला थाईलैंड का था, उसके बाद 3 तो थाईलैंड के हो गए। जनता बहुत खुश होती है वैसे थाईलैंड जाने से, है ना। बहुत सारे लोग फिर मंकी कैप वाली स्टोरी भी होती है मेरे पास में, बट मैं बताऊंगा नहीं। श्रीलंका का बहुत अच्छा था, शायद 100+ लोग थे उस टाइम में। सॉरी, श्रीलंका वॉज बेस्ट, यस। सो हम सब लोग लाइफ में अपग्रेड करते हैं। जब 11-12 में ऑप्टिमाइज शुरू हुआ तो मुझे शुगलू जो मेरा था वो मैंने साइलेंट किया 4-5 साल के लिए, क्योंकि मेरा एक नॉन कॉम्पिट था कि मैं कुछ और नहीं करूंगा। फिर 2015 में जॉन पॉटर, उसको भी कम लोग जानते हैं, जो टेस्को के को फाउंडर थे, उसके ग्रैंडसन जॉन पॉटर था। अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, आई थिंक नवंबर 2021। सो फिर हमने उसमें 3 कंपनी लाई थी, शुगलू मीडिया जो कि ऑप्टिमाइज एमए बना, और वो डील मेरी ट्रेड डबलर के साथ हो रही थी। सो ट्रेड डबलर उसको एक्वायर कर रहा था, ट्रेड डबलर ऑप्टिमाइज सॉरी ट्रेड डबलर एमए बनाने के लिए, बट हमने ऑप्टिमाइज एमए किया। सो मैं ग्रुप लेवल में शेयर होल्डर हूँ। फिर एपेक में, जो एपेक के अंडर में हमारा पूरा एमई आता है, पूरा एससी आता है, पूरा हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड, सब जगह में ऑफिस है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अंडर में चला गया एशिया पैक से। सो ये सब चलता रहता है, हमारे पोजिशंस होते हैं, एक दूसरे का पार्ट बनते हैं। तो हमारी बहुत दिनों से डील चली हुई थी, बट रिसेंटली विद इन लाइक 6 मंथ के जो बीच में है, तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सो मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था, बट जैसे शुगलू मीडिया को ऑप्टिमाइज एमए ने खरीदा था, तो अभी हमने मर्जर किया और अब पूरा जो ऑप्टिमाइज इंडिया है वो मैंने 100% कंट्रोल में किया। तो बहुत खुशी होती है कि इतने बड़ी जर्नी के बाद में सब अंग्रेज हमें खरीदते रहते हैं, बट मैंने पूरे अंग्रेजों को खरीदा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। हाउएवर द जर्नी कंटिन्यूज, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जितने यहां पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पूरी जो इंडस्ट्री है, फर्स्ट एफिलिएट नेटवर्क जब मैंने डीजीएम लाया था इंडिया में, किसी को कुछ पता नहीं था एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। हम क्लियर ट्रिप के ऑफिस में जाके, यात्रा के ऑफिस में जाके, ये सब जो मर्चेंट्स होते थे उनको बताते थे कि ऐसे वेबसाइट बनती है। इनफैक्ट हम पब्लिशर को बोलते थे, सो आई रिमेम्बर पब्लिशर को बोलो कि ये कुछ कर सकता है, उसको डोमेन भी खरीद के दो, उसकी वेबसाइट भी बनाओ, फिर उसको बोलो कि ये सब कुछ काम करो। तो एक जर्नी जो शुरू कहां से हुई और कितने सारे एंटरप्रेन्योर बने, तो ये बहुत बड़ी जर्नी है। उसके बाद में जो 12 के बाद में मेरा एक, आप काफी सारे लोगों देख रहे होंगे, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये सारी मेरी इन्वेस्टिंग कंपनीज है। तो जैसे मैंने ऑप्टिमाइज में किया, वैसे शुगलू वाला, ये तो हमारे ग्रुप कंपनीज हुई। तो जो मुंबई एंजल्स के थ्रू मैं फ्लिक्स टीम में सीरीज ए इन्वेस्टर हूँ, एक जो ऑमनीफाई, ये जो स्पीड लैब्स है, ये बायजूस की तरह कंपनी है, उसमें मैं शेयर होल्डर हूँ। उसके बाद में एक वूली फार्म्स है, वूली फार्म्स, ग्रीन साइट, एक रेड बेजील, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। इनके आपके पास में भी अकाउंट्स नहीं आएंगे, वो आएंगे सबके पास में। तो ये स्टार्टअप कंपनीज है, और कोई MIT का पढ़ा हुआ है, कोई स्टैनफोर्ड का, कोई कहीं का। सिद्धे से आप लोग भी स्टार्टअप करते हो, फिर फंडिंग लेते हो, आगे सीड, फिर एंजल, फिर आगे सीरीज है, तो सब चलता है। सो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। तो मैंने, तो उसके बाद में दूसरी क्या चीज है, जैसे आप देख रहे होंगे कि कितने सारे नेटवर्क है, कोई अभी बड़े क्रेडिबल में हमारा एक ऑप्टिमाइज है, एक एडमिट आर्ट है,
आई डोंट नो वी कमीशन है और भी कितने सारे अभी तो बहुत सारे हैं. सो मेन चीज क्या है, एक एफिलिएट नेटवर्क में ट्रैकिंग है जो कि अभी बहुत सारे प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रैकियर टाइप में, फाइज टाइप में, हेड ऑफर्स या ट्यून जो सब जितने हैं. तो जब मैं व्हेन आई गो बैक एंड सी दिस एंटायर जर्नी, ये सारे के सारे मतलब हमारे साथ में आए हैं. तो इतनी कलेक्टिव नॉलेज है ऑप्टिमाइज में, जो स्टार्टिंग से लेके अभी भी लोग हैं और जो जाके जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो गए हैं, दूसरे नेटवर्क में गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया. तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे बहुत अच्छे विजन्स हैं. आप ये मत सोचो, अभी जो हमारी डील के हिसाब से शान विल मोस्ट प्रोबेबली मूव ऑन, शी विल डू समथिंग. जो नेक्स्ट मेरे स्ट्रक्चर में है, जैसे शुगलू के बारे में मैं आपको बताता हूँ, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज है. एक शुगलू जो एक एफिलिएट कंपनी होती थी जिसमें हमारा एक पेलेसर था, एक हमारा चीप ट्रेन टिकट्स है. ये जो चीप ट्रेन टिकट्स है इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट मिला है रेल यूरोप का, हम मर्चेंट बनने जा रहे हैं. सिर्फ अभी शुगलू की टीम को पता है हम एवरेज 350 सेल ट्रेन लाइन को देते हैं इकट्ठी, और सिर्फ एक वेबसाइट से. तो थैंक यू, वेरी गुड. और वो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, रेल यूरोप जो आप सब लोग जानते हैं लार्जेस्ट ट्रेन एग्रीगेशन कंपनी इन द वर्ल्ड, तो हमें यूके, यूरोप और इंडिया का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट मिला. मीन्स हम मर्चेंट बनेंगे, हमारी एपीआई इंटेग्रेट हो रही है और हमारी एक यूके की भी कंपनी होगी. और सिर्फ करंट रेट के हिसाब से, क्योंकि अभी हमें 0.5% to 1% मिलती है क्योंकि बहुत कम कमीशन होती है, तो जब हम पूरे मर्चेंट बनेंगे तो हमें 5% to 6% मिलता है. और हमारा 200 crore का सिर्फ एक वेबसाइट से टर्नओवर होगा, तो ये बहुत अच्छा है. जो भी आगे बढ़ा करेंगे तो हम प्रोग्राम भी चलाएंगे और पूरे वर्ल्ड में हम इसकी मार्केटिंग करेंगे. उसके बाद में एक और बहुत अच्छा जो हमारा ग्रुप कंपनी में होगा वो हम मैन्युफैक्चरिंग में गए, तो हमने काफी सारे, एक बहुत कम लोग जानते होंगे ब्लैक गार्लिक होता है. ब्लैक गार्लिक मीन्स इफ यू कीप द गार्लिक एट अ वेरी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 60 degrees फॉर 19 days इट टर्न्स ब्लैक, उसमें से वो कशिश वशिश वो सब निकल जाती है एंड देन इट बिकम्स अ सुपर फूड. वो बहुत कॉस्टली होता है और बहुत रेवोल्यूशनरी मार्केट है यह. तो एक ब्लैक गार्लिक का प्लांट, एक मशरूम का प्लांट और एक हम शायद टर्मरिक का प्लांट हम हिमाचल बेस्ड आउट करेंगे. सो एज ग्रुप बहुत सारी एक्टिविटीज है और मैंने सभी ग्रुप को इकट्ठा करके हम एक कंपनी एक रहकर और सब हम वो करेंगे. तो आज की डेट में हम ऑप्टिमाइज इंडिया, अभी ऑप्टिमाइज इंडिया है, अभी जब मर्जर एक्विजिशन होते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे ब्रांडिंग चेंज होती है, सब होता है. प्रोबेबली 6 to 1 year के बाद में वो अगर अलग से लॉन्च करेंगे तो वो होगा. और मैं एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाना चाहता हूँ जिसमें हमारा नेटवर्क भी होगा. सबसे बेस्ट मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, इतना अच्छा मुझे एनवायरमेंट देना है. आई वॉन्टेड टू प्रॉपरली सेटअप द एफिलिएट नेटवर्क इन द कंट्री. लेकिन आप सब लोगों को पता है कि जो बाहर में एफिलिएट मार्केटिंग है वो इंडिया में कभी भी नहीं, शायद अगले 5 साल तक भी नहीं जाएगी. तो 2006 से हम ट्राई कर रहे हैं, पूरे 15-17 साल हो गए. तो वो एक अलग से है, बाहर में यहाँ पर एक एक मर्चेंट 20-20 जगह पिक्सल लगाता है, सभी नेटवर्क में जाता है, सोचता है कि उसको ज्यादा धंधा मिलेगा, वो गलत है. वो एफिलिएट प्रोग्राम इज ओन बाय द मर्चेंट, वो उसको ओन करता है, वो टेक्नोलॉजी चेंज कर सकता है जो बाहर में होता है. एक्सपीडिया है, बाहर की कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो लोग सारे क्या करते हैं हर साल में नेटवर्क चेंज करेंगे, बट दे नेवर चेंज देयर इंटरनल प्रोग्राम. हमारे यहाँ उल्टा चलता है, हम सोचते हैं इससे भी क्या. तो वो आई डोंट नो, जब तक ये एबीएन कमीशन जंक्शन ये रकुटेन टाइप बड़े बड़े नहीं आएंगे ट्रेड डबल टाइप में, तब तक ये इंडस्ट्री चेंज नहीं होगी. सो बेस्ट एनवायरमेंट बनाना है, बेस्ट वर्किंग रूम बनानी है. और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप बहुत लोग जानते होंगे, आई वुड कॉल ऑन स्टीफन प्लीज यादव. अभिजीत आप भी आ जाइए, कहां पर है, आई थिंक यू आर
For 2 days, I'm seeing some different vibes coming out from you. Maybe कुछ लोग हैं only good vibes. So as I said, going forward, जो ऑप्टिमाइज वाली हमारी कंपनी है, ये हमारी फ्लैगशिप कंपनी होगी. इसी के अंदर में मैं चीप ट्रेन टिकट्स कर रहा हूँ, पे लेसर वाला भी कर रहा हूँ. जितने डिजिटल हमारे एसेट्स होंगे वो सब हम इस ग्रुप के अंदर में कर रहे हैं. और मैं पूरी ये ग्रुप कंपनी बना के फिर हमने पूरे ये बिजनेसेस करने हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड स्टीफन इज ज्वाइनिंग अस ऑन 1st of May एज COO. ही वुड बी स्पीयरहेडिंग द एंटायर ग्रुप एक्टिविटीज फॉर अस. Very well supported by him because he has a big task to handle the entire network, because now it is not only the optimized network that we have. Today I am very happy. We are a 100 crore plus company plus 100 plus people all combined together. So big thank you for you. So मैं ऐसा करूंगा, बहुत सारी चेंजेज होंगी. आप लोगों ने कोई ये नहीं सोचना किया है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे. जैसे मैंने बताया, हम लोग इंडस्ट्री के लीडर हैं और हमने बंद कर रहना. और मैं ये चाहता हूँ कि हम पूरे शुगलू को पूरे वर्ल्ड में, उसका रीजन भी है क्योंकि मैं रीब्रांड भी कर सकता था, कुछ और भी कर सकता था, बट हमारा पूरे ग्रुप में, मैं पूरे वर्ल्ड में पहले जानते हैं कि कोई शुगलू है. तो आई वांटेड टू कैपिटलाइज ऑन दिस फैक्ट. सो आई होप यू ऑल टेक दिस इन पॉजिटिव सेंस. कंपनीज कम, पीपल कम एंड गो, कंपनीज हमेशा चलती रहती है. पहले भी चली है, आज भी चली है, कल भी चलती रहती है. और सबके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं. सबके लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है जिसको मैं बोलता हूँ, लर्निंग का भी मत छोड़ो. आप इतना अच्छा सीख रहे हो, सीखते हो, उसको आगे में भी बहुत अच्छा आपने इम्प्लीमेंट करना है. मैं इनको भी दो दो वर्ड बोलने के लिए बोलूंगा, आप 2 मिनट रुकना. इससे पहले मैं इफ समवन कैन ब्रिंग दैट टी शर्ट फ्रॉम माई रूम, एक बैग में टी शर्ट रखी हुई है ब्लू वाली, वो ले आओ, लानी चाहिए थी. एनी गैसेस? विशाल कहाँ है हमारा अमित? कितने यहाँ पर? अच्छा, एनी वे, सो एज आई टर्न 52 टुमारो, आई एम स्टार्टिंग ए न्यू जर्नी. 19th July आई स्टॉप ड्रिंकिंग विस्की एल्कोहल. And tonight I am stopping even beer. So, because we have lot of work to do, as I said, एक साल में हमने बहुत कुछ करके दिखाना है. और मैंने स्टीवन को भी बोला है, अभिजीत को भी बोला है, आप अपनी सैलरी डिसाइड करो कितना पैसा लेना है, और मैं सीधा मीटर खींचने वाला हूँ. ये आपने धंधा किया और इतनी परसेंटेज नीचे लगा दो, और खूब पैसा कमाओ, खुद कंपनी को भी दो और खुद तरक्की करो. साइलेंस. सो थैंक यू वेरी मच स्टीवन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. गाइस, आई थिंक इट्स माय फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू. सम ऑफ यू गाइस नो मी ऑलरेडी, लाइक यश जैन, सुमित शर्मा एंड आयुष माटला. I have like, you know, 15 years of over experience in this industry, and you know, in the last 6 months, LD sir has, LD sir and we have had like a couple of detailed discussions about the future plans of the company, and I hope that I perform well. I fulfill his expectations. All I want is your utmost support to excel his expectations, and I can promise you one thing, that we'll have the best working experience in the digital industry, right? There will be a lot of more surprises and good things coming for you in near future, and I wish you all the best, and let's rock the digital industry together. Thank you. Abhijit, you have to wait for 30 seconds. One more thing, main already bahut bade bade networks ke touch mein hu, naam nahi bataunga, but wo पूछ रहे हैं. सो मेरी प्रोबेबली इन ईयर और सो वो मेरे पास ऑप्शन है, अभी भी है. हम बहुत बड़ी किसी कंपनी का पार्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि जब मैंने 100% इंक्वायर किया तो हम सोचेंगे भी क्या है, बट हम शायद एक साल इसको और नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे.
फिर चाहे हम चीजें को इंडिया में लाएं, उनको लाएं, वो कोई हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो आप सब लोग उनके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, कंटिन्यू दी वर्क और खूब कमाओ। थैंक यू सर। सो आई टेल यू व्हाट, दिस गाय एंड मी, वी आर एन अनबीटेबल कॉम्बो। वी डन इट बिफोर, वी डू इट अगेन। वी विल टेक दिस कंपनी टू right up there. Huh? So, Stephen, welcome aboard. Thank you. Good to be back again. It's a reunion for us. And let's look forward to the future. And let's make it happen, all of us. Shubhi, optimize, you know, one team. Let's continue the dance. गाइस फाइनली तीन दिन से जिस चीज का वेट हो रहा था कि ये बॉस टी शर्ट का कौन विनर होगा, वो सर अभी अनाउंस करने वाले हैं। तो सस्पेंस अभी खत्म होता है। आप भी देखिए हमारे साथ कौन रहा है हमारे बीच में विनर, जिसको ये बेस्ट डांसर के लिए ये टी शर्ट एज अ अवार्ड मिल रही है, जिसकी मार्केट कॉस्ट 10,000 रुपीज है। So, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, मैंने जिसको देखा मुझे वो लगा, बट नाम भी नहीं जानता हूँ। प्राची कुंडीर कौन है? पहन भी पड़ेगा अभी पहनो, ठीक है। और हम सुबह एक ग्रुप फोटो करेंगे यहाँ पर सबको, हमने टी शर्ट कांग्रेचुलेशंस प्राची, साइज के हिसाब से आप देख लेना। और ऑप्टिमाइज शुगलू के लोगों के साथ होगा, पीछे में बड़ा ऑप्टिमाइज है, आगे में शुगलू होगा, और हम एक फोटो खींचेंगे, वो फिर हमारे लिए याद रहेगी। आई होप आप सब ने सुना होगा अभी एलडी सर ने क्या स्पीच में बताया और क्या कुछ नया हमारी कंपनी में होने वाला है, और हम सब एक्साइटेड हैं एज एन एम्प्लॉय काम करने के लिए। सो गाइज अभी हम यहाँ बैठते हैं और देखते हैं डांस परफॉर्मेंसेस जो कि नेक्स्ट होने वाली हैं, और आप सबको भी दिखाते हैं। डांस परफॉर्मेंस तो नहीं, बट स्टिल अब सब अपना अपना इन्जॉय करेंगे, तो वो सब आगे आप अब देखिए ब्लॉग में और कॉमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगा। बाकी सब लोग डांस के मज़े ले रहे थे, बट प्रभ मैम और मेरा दिल हुआ कि हम थोड़ा उठ करके वॉक कर लें, थोड़ा लोकेशन को ही एक्सप्लोर कर लें, बिकॉज डांस कर करके अब हम थोड़ा थक गए थे। तो हम लॉन में आए ताकि हम यहाँ थोड़े बहुत अपनी रील्स बनाएं और थोड़ा बहुत इंजॉय करें इस लोकेशन को। और मैं मैम को नाटी करना सिखा रही थी, हिमाचली नाटी मैम को नहीं आती है, तो थोड़ी बहुत मैंने मैम को सिखाई और फिर थोड़ा बहुत हमने भांगड़ा किया साथ में, जो कि हमने काफ़ी इंजॉय किया सेपरेट होकर के। बाकी सब वहाँ पे डांस कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा क्राउडेड हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम दोनों सेपरेटली यहाँ साइड में आके डांस करें, जहाँ थोड़ा खाली खाली सा एनवायरमेंट था, और इंजॉय करें। गाइस गाने तो यहाँ पर पूरे सुन रहे थे, ऐसा नहीं है कि गाने यहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे। साइड में ही लॉन है, जो कि मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया है कि नज़दीक ही था जहाँ ये डीजे लगा है, और इस समय जो गाना चला हुआ था वो था नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो, मैंने दिल तेरा नहीं हो चाहिदा। सो ऑब्वियसली ये गाना की बीट्स भी ऐसे हैं जो कि आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ हिला ही देते हैं कि आप भी डांस कर लें, तो हम भी डांस करने लग गए थे थोड़ा बहुत।
सो गाइस नाटी करने के बेसिक स्टेप्स होते हैं चार, जिसमें एक बारी पाँव आगे, एक बारी पाँव पीछे, एक बारी अगेन पाँव आगे, फिर देन पीछे, देन क्रॉस करके पाँव को, आपका एक नाटी का स्टेप कंप्लीट होता है। सो इस तरीके से नाटी की जाती है। मैंने आज प्रभ मैम को सिखाई नाटी कैसे करते हैं, तो आप देखिए हम कैसे कर रहे हैं। जो चौथा लास्ट होगा ना, वन ऐसे नाटी इतना डिफिकल्ट नहीं है। 1, 2, 3, 4 करके कोऑर्डिनेशन में स्टेप्स होते हैं। हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे भांगड़ा कर लें आप, चाहे नाटी कर लें, किसी भी आप क्लासिकल डांस को या फोक डांस को करते हैं, लोकल डांस को, कोऑर्डिनेशन इज़ अ मस्ट थिंग। आप डांस अच्छा करेंगे अगर आप कोऑर्डिनेट होकर करते हैं वो नाटी करने में। बट स्टिल मैंने नाटी करना ट्राई किया, थोड़ा बहुत नाटी सीखा है जब से हिमाचल रहना शुरू किया है हमने वापस से। तो जितने स्टेप्स मुझे आते हैं वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। नाटी में यही बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि आप किसी भी हिमाचली सॉन्ग को सुनेंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो जो कि मैं भी परफॉर्म कर रही थी आपके सामने। सो गाइज नाटी ख़त्म हुई, उसके बाद भांगड़ा लग गया। भांगड़ा लगने के बाद हमने भी थोड़े से स्टेप्स भांगड़े के परफॉर्म किए और इन्जॉय किया प्लेटफॉर्म पे नाचते हुए। तो नाटी गाइज हिमाचल का एक हमारा ट्रेडिशनल डांस है और इसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्ट नाटीज़ होती हैं, जिसमें लोग नीचे बैठ जाते हैं एकदम स्क्वाट्स करते हुए और उठते हैं, फिर पैलिंग क्वीन जिसे डोली कहा जाता है उसके साइड में जाके बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप्स होते हैं जो नाटी में परफॉर्म किए जाते हैं अपर हिमाचल साइड में जो परफॉर्म करते हैं। मुझे तो ये बेसिक स्टेप ही आता था जो मैंने पहले करके दिखाया। और भांगड़ा तो गाइज पंजाबी सबको ही पसंद है, तो वो भी हम थोड़ा बहुत कर रहे थे जब सॉन्ग्स लगे ही हैं वहाँ पे, तो हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बट गाइस आपको गाना मैं नहीं सुना पा रही हूँ, मेरी भी मजबूरी है, आई होप आप समझ सकते हैं। सो इस तरीके से हमने डांस किया। डांस करने के बाद वापस अब हम जाएंगे लोकेशन में। तो गाइस फाइनली जो पीछे स्विमिंग पूल आपको माइक पे दिख रहा होगा, स्विमिंग पूल के सामने ही ये स्ट्रीट लाइट थी। स्ट्रीट लाइट को देख करके काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, थोड़ा डरावनी सी भी लोकेशन लग रही है अगर ध्यान से देखेंगे आप। हॉन्टेड मूवीज़ में कुछ ऐसी सी ही लोकेशन होती हैं, बट हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ फ़ोटोज़ खिंचा लें, देखने को वैसा लग रहा है जैसे मूवीज़ में शूट्स होते हैं। तो मैं और प्रभ मैम हम दोनों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी, थोड़े काले काले से दिख रहे हैं बट कोई बात नहीं, फ़ोटो खिंचाने का दिल था तो खिंचा ली भाई फ़ोटो और इन्जॉय किया। और यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि हमें यहाँ लोकेशन में कितना अच्छा लगा और इस समय मुझे अपनी पिंक ड्रेस पहन करके भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि कंप्लीट ड्रेस थी और सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था। तो इस तरीके से खुद को स्पेशल फील कराना भी इंसान सबके लिए ज़रूरी होता है। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, घूमिए फिरिए, ज़िंदगी को जिए और जितना हो सके छोटों से प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और ख़ुद का ध्यान रखिए। सो गाइज़ ये टैगलाइन मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ ताकि आप लोग रिमाइंडेड रखें इस चीज़ को। और वापस अब हम लोकेशन पे आए। लोकेशन पे आने के बाद गाइज पूरे 12 बज चुके थे थोड़े समय में और 12 बजे सर का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया और यहाँ केक कटिंग हो रही है। फाइनली सर का केक कट हुआ और कैंडल्स बुझ गई ऑटोमेटिकली जलने के बाद। और केक पे आप देख सकते हैं सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। और फाइनली सर ने केक कट किया। केक कट करने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई सबके बीच में और हम सब ने भी केक खाया और सर को हमने फ्लावर्स बुके गिफ्ट किया था और वो बुके भी आप देख सकते हैं सर ने उसमें से रोज़ेस निकाल के सबको दे दिए और हमें भी एक रोज़ मिला जो कि हमने रखा था अपने पास संभाल करके। आप देख सकते हैं सारे ही एम्प्लॉयज़ फ़ोन लेकर के खड़े हैं सर की फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर करने के लिए। कितना प्रीशियस मोमेंट था सर के लिए ये और हम सबको भी इस मोमेंट में काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम सब सर के साथ इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। तो आप सबको भी दिखा रही हूँ मैं वीडियो में इस मोमेंट को कैप्चर करके, आप भी देखिए और सर के लिए बर्थडे विशेस आप कमेंट करके भेज सकते हैं गाइस। गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, सबने केक वगैरह खाया है यहाँ पर,
थोड़ी देर में जब केक कट हो गया उसके बाद ही सबने केक खाया। और गाइस इस समय डिनर भी लग चुका था, हमने डिनर पहले ही कर लिया था प्रभ मैम और मैंने। एक्चुअली हमें नींद आ जाती है 12 बजे के आसपास, तो हमने अच्छे से सर का केक कटने का वेट किया और उसके बाद थोड़ी देर सर के साथ हमने बैठ करके बातें करी और उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। बाकी टीम मेम्बर्स तो रात को 2-2.5 बजे तक डांस कर रहे थे, पार्टी को इंजॉय कर रहे थे, बट हम टाइम से चले गए अपनी ब्यूटी स्लीप लेने के लिए। मजाक कर रही हूँ गाइस, एक्चुअली नींद बहुत आ रही थी तो हमने जा कर के रेस्ट किया। और अगले मॉर्निंग में भी हमें थोड़ा सा काम था यहाँ पर जो कि सुबह सुबह करना था। और इस समय सर को वीडियो कॉल आई हुई है सर को घर से, सर की फैमिली की तरफ से, अंशुल मैम की और अनन्या की। तो रुशील तो सर के साथ ही था, पीछे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से सर का बर्थडे केक कटिंग करके हमने सेलिब्रेट किया रात को यहाँ पर, जो कि मैं आपको इस समय व्लॉग में दिखा रही हूँ। सो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं केक कटिंग यहाँ हो गई है और इस समय सर को सबने गिफ्ट दिए और गिफ्ट सर के पास सर उठा ही रहे हैं, सर के हाथ भर गए फाइनली गिफ्ट से। तो सर अभी गिफ्ट खोल के दिखा रहे हैं सर को कि सर देखिए आपको क्या गिफ्ट में मिला है। सर को रुद्राक्ष मालाओं का भी शौक है, काफ़ी सारी रुद्राक्ष मालाएँ हमने सर के पास देखी हैं, तो सर को रुद्राक्ष का ही एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया है पूरी टीम ने मिल करके। और वो अभी फाइनली सर को पहना रहे हैं, आप भी देख सकते हैं वीडियो में आपको दिख रहा है सर के हाथों में कितना अच्छा लग रहा है रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। सो आप भी कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा बर्थडे सेलिब्रेशंस यहाँ पर सेलोनी रिजॉर्ट में। और देखिए आगे वीडियो को।
हम रूम पे आ गए हैं, पैकिंग का सामान पैकिंग करनी शुरू करनी है हमने। कल मॉर्निंग में हमारा चेकआउट है, तो अब हम घर जाएंगे वापस मोंटा साहिब में। हमारा यहाँ का जो 3 दिन हमने यहाँ बिताए वो मेमोरेबल थे, आपने भी ब्लॉग में देखा। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये जो हमारा स्टे है। और अगर आपको ये लोकेशन एक्सप्लोर करनी है तो डेफिनेटली आप इसको अपनी बुक लिस्ट में डालें और बकेट लिस्ट में डालिए। और पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश के नाहन के नज़दीक ही काला आम है, जहाँ पर ये सैलानी रिजॉर्ट मैं नाम इसका अभी तक मेरे को गलत ही प्रोनंसिएशन होती है, सैलानी रिजॉर्ट। सैलानी का मतलब होता है टूरिस्ट, तो आप भी यहाँ विजिट कीजिए एज अ टूरिस्ट और इन्जॉय कीजिए यहाँ की वादियों को और लाइफ में हैप्पी रहिए। छोटों से प्यार करिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए और खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों से प्यार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कल मिलते हैं आपको फ्रेश ब्लॉग के साथ बैक टू पांवटा वाले ब्लॉग में। टंग फ्लिप हो रही है, तो गाइज सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।